हेलो वेलकम एवरीबॉडी, माय सेल्फ संजय तिवारी, सबका गणित में आप आपका स्वागत है। आई विल टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ ट्रिक इन दिस सेक्शन। जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी आपको बहुत सारा ट्रिक्स बताया, आज भी मैं आपको एक नया ट्रिक लेकर आ रहा हूं और विद इन लुक एट हियर आंसर इन 15 सेकंड्स आपको देना है। और उसमें आपको आंसर ए बी सी डी फोर ऑप्शंस आर गिवन, लुक व्हाट इज द क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करूंगा विद इन सेकंड, देन आई विल एक्सप्लेन एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। सो लेट अस स्टार्ट। सो वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक सम, वी कॉल दिस टेलीस्कोपिक। व्हाट इज टेलीस्कोपिक सम? टेलीस्कोपिक सम और मेथड ऑफ डिफरेंस, वी कॉल दिस मेथड ऑफ डिफरेंस ऑल्सो, डिफरेंस मेथड और मेथड ऑफ डिफरेंस। सो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज टेलीस्कोपिक सम इन वेरी फ्यू लाइंस एंड यू माइट बी वेल टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड इट। तो लुक एट दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मैं देखता हूं, सिग्मा varies from 0 to 44, so there are 45 terms. 1 by cos k degree, cos k plus 1 degree, k is variable, sigma varies from k 0 to 44 degree, is equal to s, s is sum, sigma means sum, suppose this is s, then greatest integer of s, this is written, square bracket represents gif, age we have four options, 50, 52, 57 and 59. This problem looks somewhat complicated, but there is one concept behind it. पहले मैं solve करता हूँ, looking at the problem within 15 seconds, then I will explain. Answer is 57. This is the guess I am making and this is correct answer. Now look at the explanation I am going to give you. काफी easy है, but आपको थोड़ा patience रखना पड़ेगा. This is very useful for CAT, NDA, KVPY, JEE, VITSAT and all other engineering competitive exams. तो look at the concept मैं बताने जा रहा हूँ. मैंने एक आपको hint दिया था. This looks telescopic sum. Generally, in the summation of series, in 95% of the problems, we apply telescopic sum. इसी को लगाते हैं, उसको method of difference भी कहते हैं. This is very very useful concept used in sequence and series. जब 11th में sequence and series एक chapter है, जब पढ़ोगे तो you will learn this trick. I am explaining what is that trick. मैं पहले इसको expand कर रहा हूँ. K0 means first term. K1 means second term, K44 means 45th term. So I am writing, I am rubbing this. So just मैं T1 लिखने जा रहा हूँ. T1 just यहाँ लिखा भी है. T1 जो है तुम्हारे को जो है we have this is cos K0 रखोगे तो we have cos 0 degree and cos 1 degree. और ऊपर तुम्हारे पास 1 है. अब मैंने क्या किया है? We have to apply difference method. तो व्हाट आई विल डू हियर, डिफरेंस मेथड के लिए वी विल अप्लाई एज वी विल राइट ईच टर्म एज ए डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। मैं सारे टर्म्स को एज ए डिफरेंस, डिफरेंस का मीनिंग होता है माइनस, बीच में आना चाहिए, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होना चाहिए तभी इसका फायदा मिलेगा। तो ये तो अभी माइनस नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्टर्स डालूंगा ऊपर और नीचे। तो साइन 1 डिग्री मैं ऊपर रख रहा हूँ और नीचे मैं साइन 1 डिग्री को डिवाइड भी कर नीचे भी रख रहा हूँ, और ब्रैकेट में जो गिवन है वी आर राइटिंग कॉस 0 एंड कॉस 1 डिग्री। यहाँ ध्यान से सुनना, व्हाई आई पुट साइन 1, क्योंकि नीचे देयर आर प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन एंड कोसाइन एंड वी हैव टू मेक डिफरेंस। तो साइन में ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमरेटर में और ये ब्रेक हो जाएगा। देखो कैसे, फर्स्ट स्टेप मैंने इसको साइन 1 डिग्री से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है और नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्टर। नाउ आई कैन राइट दिस एज
साइन 1 डिग्री को आई कैन राइट एज साइन 1 डिग्री माइनस 0 डिग्री, और इसको मैं ब्रेक करूंगा और नीचे आपके पास साइन 1 डिग्री सारे में कैरी होगा, कॉस 0 डिग्री एंड कॉस 1 डिग्री इज गिवन इनिशियली, पहले से तो ये दिया ही है। नाउ आई विल व्हाट एक्सपेंड दिस, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूले लगाओगे, मैं एक पार्ट पहले बता देता हूँ, तो यू विल गेट साइन 1 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 1 डिग्री एंड साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 1 तो सारे में लगाना पड़ेगा एंड वी हैव कॉस 0 डिग्री कॉस 1 डिग्री। इस साइन 1 डिग्री को एज सच रखोगे, दिस साइन 1 डिग्री रिमेन्स एज सच, तो इसको जब हम लोग एज सच लिखेंगे तो ये बाहर रहेगा साइन 1 डिग्री, और न्यूमरेटर में देखो ये डिवाइड हो गया साइन 1 डिग्री कॉस 1 डिग्री क्या हो जाएगा टेन 1 डिग्री, ये न्यूमरेटर में आ गया एंड वी हैव, और दूसरा देखो कॉस 1 डिग्री साइन 0 डिग्री, यहाँ मैंने लिखा था कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 1 डिग्री साइन 1 डिग्री, कॉस 1 कैंसिल हो गया और साइन बाय कॉस क्या होता है 10, वी हैव दिस इज 10 0 डिग्री, और ये दोनों कंजुगेटिव टर्म्स है 1 डिग्री 0 डिग्री, 1 एंड 0 आर कंजुगेटिव नंबर्स। अब मैं ये फर्स्ट टर्म मैंने लिख दिया, सो वी विल राइट सेकंड टर्म आल्सो यूजिंग दिस कांसेप्ट, तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्टली, वी विल राइट 10 2 डिग्री माइनस 10 1 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री, सेम मेथड यूज करोगे, कैसे मैं फटाफट लिख देता हूं, मल्टीप्लाई करोगे साइन 1 डिग्री से ऊपर नीचे, ठीक है साइन 1 डिग्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे सेकंड टर्म k का वैल्यू 1 रखोगे तो आएगा cos 1 डिग्री, k का वैल्यू 1 रख रहे हो तो cos 1 डिग्री 1 plus 1 2 so we have this is cos 2 डिग्री, और साइन 1 डिग्री को आई विल राइट एज मैं फास्टली लिख रहा हूं 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री, क्योंकि वी हैव टू मेक न्यूमरेटर एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, तो कॉन्सेप्ट न्यूमरेटर में क्या यूज करोगे साइन ए माइनस बी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, फटाफट इसको एक्सपेंड करोगे यू विल गेट दिस, सिमिलरली थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म जब तुम लोगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यू विल गेट दिस एज साइन 1 डिग्री, और ऊपर मिलेगा तुम्हें 10 3 डिग्री माइनस 10 2 डिग्री, ये न्यूमरेटर में मिलेगा, ये हो गया थर्ड, लाइक वाइज तुम लोगे लास्ट टर्म जो होगा 45th टर्म, आई विल आल्सो ब्रेक एक सीक्वेंस तुम्हें मिल जाएगा इन टेलीस्कोपिक सम, जनरली एक तुम्हें पैटर्न मिलेगा, पहले टर्म को ब्रेक करोगे सेकंड भी उसी तरीके से ब्रेक होगा, लास्ट भी उसी तरीके से ब्रेक होगा, दैट्स व्हाई आई एम सेविंग टाइम, यहाँ मैंने सेकंड में 2 माइनस 1 डिग्री रखा है, 45th टर्म में क्या रखोगे न्यूमरेटर में साइन ऑफ 45 माइनस 44 डिग्री, तो देखो मैं डायरेक्टली बच्चों लिखने जा रहा हूँ दिस इज 10 ऑफ 44 डिग्री और माइनस हो गया डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री, ट्रिक क्या है कि साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, ये सारे टर्म में कर रहे हो और ब्रेक कर रहे हो दो दो पार्ट में, माइनस आना चाहिए बीच में, मैं डॉट 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 रख दे रहा हूँ और यहाँ भी डॉट, अब इनको ऐड करोगे एडिंग ऑल दीज, सारे को ऐड करोगे एडिंग, मैं अब डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, जब ऐड करोगे T1 से यहाँ तक कॉलम देख लो T1, तो टेलीस्कोपिक सम का एक बढ़िया सा काफी खूबसूरत उसका पार्ट है, क्या बीच के सारे टर्म्स गायब हो जाते हैं एक दूसरे से, समझो लड़ाई करके मर कर जाते हैं, खत्म हो जाता है एक दूसरे से, तो ये देखो मैं दिखाने जा रहा हूँ कौन कौन सा तुम्हारे को कैंसिल होगा, लुक एट हियर 10 1 डिग्री अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा, 10 2 डिग्री अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा, 10 3 डिग्री अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में 44 डिग्री और 45 डिग्री तुम्हारे पास है, 44 डिग्री प्रीवियस वाले से कट जाएगा, जो 44th टर्म होगा उसके टर्म से 44 डिग्री 10 44 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, मैं सर्कल करके बता रहा हूँ, ये तुम्हारे को बचेगा और तुम्हारे को शुरुआत में कौन सा बचेगा 10 0 डिग्री, अब सारे को सम करोगे, सम करोगे तो समिंग एस मैं लिखने जा रहा हूँ, ऐड करने के बाद क्या क्या बचा, लास्ट में वी हैव 10 45 डिग्री माइनस
tan of 0 degree डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री, इसको मत भूल जाना, साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, साइन 1 डिग्री से वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे सारे टर्म में वही पैटर्न रहेगा। अब ये देखो टेन जीरो क्या होता है, जीरो, टेन 45 क्या होता है, वन, सो वी हैव दिस इज 1 बाय साइन 1 डिग्री। अब मैं एक खूबसूरत सा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, आई हैव डिस्कस दिस इन ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th लेक्चर 1, वॉच ऑन यूट्यूब वीडियो, मैथ्स ऑन ट्रैक का देखोगे वीडियो, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 में रेडियंस एंड डिग्री मैंने बताया, क्योंकि यहाँ भी फंस सकते हो इस सवाल में, ये पार्ट भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब मैं इसका वैल्यू साइन 1 डिग्री का मैं भी नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते, तो क्या करेंगे, वी विल अप्लाई सम टेक्निक, क्या मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, नियरली अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है जब थीटा रेडियंस में होता है, ध्यान से देखना बच्चों, इफ थीटा आर इन रेडियंस, तो थीटा रेडियंस में होगा और थीटा वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, मैं लिख रहा हूँ थीटा इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव, वेरी वेरी स्मॉल कह सकते हो, सो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, लिमिट्स में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, लिमिट्स में पढ़े होंगे, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा वन होता है, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करना है, ये सारे बुक में एनसीईआरटी में भी आपको ये डेरिवेशन होता है, इस डेरिवेशन को तुम देख सकते हो, लिमिट चैप्टर निकालो 11th का बुक एनसीईआरटी, वहाँ फटाफट उसको देख लो, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट को लिख दिया, थीटा वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए, तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा है, इसका मीनिंग है साइन 1 डिग्री को मैं रेडियन में बदलने जा रहा हूँ, 1 डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो तुम्हारे को क्या मिलेगा, जानते हो 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन, तो पाई बाय 180 के बराबर, सो आई कैन राइट साइन ऑफ 1 डिग्री, लुक एट हियर वी आर नियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, तो मैं अगर साइन 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 180 के बराबर, और साइन पाई बाय 180, 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल है, 1 डिग्री इज व्हाट, वेरी वेरी स्मॉल एंगल, और इसको वी कैन राइट दिस एज पाई अपॉन 180। अब ध्यान से देखो, ये भी ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट लेक्चर इनिशियल 15 मिनट्स में ये बताया जाता है आपको, पाई बाय 180। अब आंसर आपके पास है, एस का वैल्यू निकालना है, एस का वैल्यू यहाँ निकालोगे तो आई एम राइटिंग हियर, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, वी हैव, अब साइन 1 डिग्री मैंने कहा नियरली इक्वल टू पाई बाय 180, सो 1 बाय पाई बाय 180, और जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो यू विल गेट 180 बाय पाई, और ये पढ़ा होगा रेडियन को, डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, दिस इज नियरली इक्वल टू 57.24 के आसपास होगा, 57.24। अब देखो सवाल में क्या पूछा जा रहा है, वी हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एस जब यहाँ से देखोगे तो इंटीग्रल पार्ट जनरली हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेते हैं जब नंबर्स क्या होता है पॉजिटिव, जैसे किसी ने कहा 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो क्या बताओगे 3, तो 57.24 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बताओगे, आई एम राइटिंग हियर 57.24, तो आंसर क्या मिलेगा हमें 57, सो 57 जो है सी इज द करेक्ट आंसर, सो आई हैव एक्सप्लेन क्या क्या मैंने यूज किया, दो चीज यूज किया, एक तो मैंने कहा कि टेलीस्कोपिक सम यूज करोगे, दूसरा मैंने पॉइंट क्या बताया, सेकेंड पॉइंट टेलीस्कोपिक सम में किसी भी टर्म को, ईच एंड एवरी टर्म को डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स में ब्रेक करोगे, उससे क्या होगा जब ऐड करोगे तो बीच का सारा कैंसल एक दूसरे से खत्म हो जाता है, कैंसल हो जाता है, फर्स्ट का एक पार्ट बचेगा, लास्ट का एक पार्ट, ये हो गया पॉइंट वन जहाँ तक तुम कर सकते हो, नेक्स्ट पार्ट जो काफी इनिशियल फेजेज में ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है, व्हाट इज दैट पार्ट, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, इफ थीटा इज इन रेडियंस, और उसके बाद मैंने 1 डिग्री को रेडियन में बदल दिया 1 रेडियन को मैंने, सॉरी 1 डिग्री को मैंने रेडियंस में बदल दिया, तो साइन 1 डिग्री इज नियरली इक्वल टू,
और 1 डिग्री को रेडियन में, तो पाई बाय 180 के बराबर, पाई बाय 180 मैंने रख दिया एस में, उसका रेसिप्रोकल 57.24 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 57। दिस इज वेरी वेरी गुड न्यूमेरिकल फॉर जेई मेंस, इवन एडवांस में केवीपीवाई, आप कैट में भी पूछा जा सकता है, इवन जे बाकी WBJ एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। सो लुक एट द कॉन्सेप्ट, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा देखोगे बार बार, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। आई थिंक यू मस्ट हैव लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक, सबका गणित नाम ही मैंने रखा मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। ये फटाफट कॉन्सेप्ट यहाँ आपको मिलेगा ट्रिक्स के साथ, पहले ट्रिक बताएंगे उसके बाद कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये फास्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग द प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट और टॉपिक, और उसको यूज करो एग्जाम में, अच्छा परफॉर्म करो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।